हम ये मानते हैं कि शासन और सरकार में जो भी व्यक्ति है वो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया जाए। ये भी कहा गया कि यह भी संभावना है कि जब प्रधानमंत्री अब से अपने पद से हट जाएं, तो जो पद के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया है पद में रहते हुए बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री लोकतंत्र का प्रमुख अधिकारी होता है, सरकार का सबसे अधिक ताकत प्रधानमंत्री में होती है, और अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दायरे में है तो यह तर्क देना कि देश एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री को स्वीकार कर ले और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसका जवाबदारी आरंभ हो, भ्रष्ट प्रधानमंत्री तो एक दिन भी उस पद के ऊपर नहीं रहना चाहिए था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल सरकारी पक्ष भारी रहेगा तो एक सरकारी लोकपाल का निर्माण हो जाएगा, उसमें सरकार के लोग भी हों, उसमें विपक्ष के भी हों, उसमें न्यायपालिका के भी हों और उसमें कोई स्वतंत्र व्यवस्था भी हो। वो नागरिकों का प्रतिनिधित्व हो सकता है, प्रमुख नागरिक हो सकते हैं, वो सीवीसी हो सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन केवल सरकारी पक्ष रहे, उसका वजन ज्यादा रहे तो लोकपाल जो उभर कर आएगा वो सरकारी होगा और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये सच है, सीबीआई का दुरुपयोग भी हुआ है और इसलिए आवश्यक है कि सरकार के जंकुल चंकुल से, सरकार के हाथों में से सीबीआई को अलग कर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में सीबीआई बनेगी।